नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला। हमारे चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की एक लौती बेटी ईशा अंबानी की शादी आनंद पिरामल से हो गई है। ईशा की शादी मुंबई में स्थित अंबानी हाउस एंटीलिया में हो गई है। इस मौके पर एंटीलिया को बेहद शानदार तरीके से सजाया गया है। मुकेश अंबानी ने बारात का स्वागत मुस्कुराते हुए किया। मुकेश अंबानी के होने वाले दामाद घोड़ी पर सवार होकर अपनी होने वाली दुल्हन को लेने के लिए पहुंचे। वेन्यू की तस्वीरों में मुकेश अंबानी काफी खुश नजर आए। वहीं शादी में ढेर सारे सेलेब्स भी आए, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इसी बीच होने वाली दुल्हन की यानी कि ईशा अंबानी की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो कैसे मंडप पर एंट्री कर रही है। इस फोटो में उनके भाई आकाश और अनंत फूलों की चादर उनके सिर पर लिए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनकी होने वाली भाभी श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट उनका हाथ थामे हुए हैं। ये प्यारी सी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। साथ ही कहना पड़ेगा कि इसमें होने वाली दुल्हन बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। बता दें, बारात पहुंचने से पहले ईशा अंबानी के दोनों भाई अनंत अंबानी और आकाश अंबानी घोड़े पर सवार दूल्हे और बाराती का इंतजार करते हुए दिखाई दिए थे। ईशा अंबानी की शादी में पूरा बॉलीवुड एक ही छत के नीचे उमड़ा हुआ है। यहां आज सितारों के अलावा उद्योग जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां भी शरीक हुई हैं। ईशा अंबानी और आनंद पिरामल शादी के बंधन में बंध गए हैं। मुंबई के एंटीलिया में शादी की ग्रैंड पार्टी हुई है। ईशा और आनंद दोनों ही कलर कोऑर्डिनेटेड आउटफिट में नजर आए। ईशा ने गोल्डन कलर का लहंगा पहना है, साथ ही हैवी डायमंड ज्वेलरी कैरी की है। वहीं आनंद पिरामल भी गोल्डन कलर की शेरवानी में नजर आए। शादी के दिन इस कपल की केमिस्ट्री देखने लायक थी। आनंद पिरामल आज दिन में बारात लेकर एंटीलिया पहुंचे थे। आनंद पिरामल का स्वागत खुद मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और आकाश अंबानी ने किया था। बारात के स्वागत का एक वीडियो सामने आया है। ईशा अंबानी की शादी से पहले उदयपुर में प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हुआ था। इस सेलिब्रेशन में बॉलीवुड बिजनेस वर्ल्ड से लेकर कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। इस सेलिब्रेशन में ईशा अंबानी और आनंद पिरामल ने डांस भी किया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।